नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजटेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग को पता है कि हमारे एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है, और एमएस वर्ड की सीरीज में हमने आपको होम रिबन और इंसर्ट रिबन के सभी पॉइंट्स को बता दिया है, और अब हम आपको पेज लेआउट के पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। और अभी तक हमने आपको पेज लेआउट के थीम्स ऑप्शन को बता दिया है, वर्ड 2007 के थीम्स ऑप्शन और वर्ड 2016 के थीम्स ऑप्शन के बारे में। तो आइए हम आपको आज आगे के टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कि एमएस वर्ड में पेज लेआउट में थीम्स के आगे क्या पॉइंट्स हैं और उनसे क्या वर्क होता है और उनसे क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वर्ड 2007 की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वर्ड 2007 को ओपन करने के लिए यहाँ से विंडो की को प्रेस करना है और यहाँ से आपको वर्ड 2007 को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ड 2007 ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स, जब ये वर्ड 2007 ओपन हो चुका है तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको होम और इंसर्ट रिबन के सभी पॉइंट्स को बता दिया है, और हम आज आपको पेज लेआउट के पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। और अभी तक हमने आपको पेज लेआउट के थीम्स के अंतर्गत जितने पॉइंट्स थे उन सभी के बारे में बता दिया है, और आज हम आपको इसके पेज सेटअप ऑप्शंस के बारे में बताएंगे कि पेज सेटअप्स के बारे में इसके में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको यहां पर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पेज सेटअप के लिए सबसे पहले आपको यहां पर कुछ मैटर चाहिए जिसमें हम अपने पेज को सेट करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर मैटर ला लेते हैं। ये हमारा मैटर आ चुका है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है मार्जिन। मार्जिन मीन्स होता है जब आप किसी भी पेज पर टाइपिंग करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उस पेज के चारों तरफ जो गैप दिया होता है उसको हम बोलते हैं पेज की मार्जिन। जो इस समय मार्जिन आपकी यहाँ पर सेट हो, जैसे आपको दिख रहा है कि ये हमारा पेज है पूरा, और पेज में ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और इसमें चारों तरफ कितना गैप आपको दिख रहा है वो चीज यहाँ पर आपको मार्जिन के माध्यम से दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर मार्जिन को कम और ज्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए आप मार्जिन के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल मिल जाएगा, नैरो मिल जाएगा, इसमें कई प्रकार के आपको स्टाइल मिल जाएंगी। जैसे नॉर्मल में आपका टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट यहाँ पे 1-1 इंच का गैप है, लेकिन अगर आप नैरो कर देते हैं, देखिए आपका ये गैपिंग क्या हो गया, आपका ये गैपिंग कम हो गई है। जो पेज अभी आपका 3 पेज में था वो आपका पेज 2 पेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम यहाँ से अगर फिर 1-1 कर देते हैं तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये मैटर हमारा चारों तरफ 1-1 का गैप आ चुका है, और ये पेज हमारा 3 पेज में कन्वर्ट हो चुका है। जो आपका टेक्स्ट 2 पेज में था वो टेक्स्ट हमारा 3 पेज में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी फिर यहाँ पे मार्जिन से आने के बाद आप कई पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें टॉप बॉटम पे 1-1 है लेकिन लेफ्ट राइट पे ये है, वाइड में आपका टॉप बॉटम पे 1-1 है लेकिन लेफ्ट राइट पे 2-2 है। तो बाकी यहाँ से आप सभी स्टाइल्स को यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी स्टाइल को सेट करना है तो आप आ जाएंगे कस्टम मार्जिन पे, और कस्टम मार्जिन पे आकर के यहाँ से आप अपने हिसाब से मार्जिन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं कि टॉप पे कितना देना है, बॉटम पे कितना देना है, लेफ्ट पे कितना देना है, राइट पे कितना देखना है। अब फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आती है आपकी गटर। अब फ्रेंड्स, ये गटर क्या होता है? गटर तो वैसे सभी लोग नाला जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो गटर का मतलब होता है वो होता है कि जब हम लोग किसी भी पेज पर टाइपिंग का काम करते हैं, जैसे पेज हमारे 2, 4 से 10 पेज हैं तो हम लोग उसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं यहाँ स्टेपल करके, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पेज होते हैं 25, 50, 100, 150 तो उसके लिए हमको वहाँ पर बाइंडिंग करानी होती है, और बाइंडिंग करने के लिए अगर हम पेज में जगह नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा, जब हम बाइंडिंग कराएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो हमारा छिप जाएगा साइड से और वो हमको पूरी तरह से दिखेगा नहीं। तो बाइंडिंग करने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उस चीज़ को बोलते हैं गटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हम गटर लगाएंगे आपको देखिए यहाँ प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ देखिए आपको ये पेज से ये आपको गटर दिखाई दे रहा है। बाकी ये होता है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन 2 तरह लग सकती है, लेफ्ट से और टॉप से। अगर आप लेफ्ट लगाना चाहते हैं तो आपको इस साइड लगेगा, और टॉप लगाना चाहते हैं तो ये इस साइड। ये देखिए आपको लेफ्ट से दिख रहा है, और ये टॉप लगाएंगे तो ये टॉप से हमारा इस साइड दिखेगा। बाकी चूंकि ज़्यादातर लेफ्ट साइड से ही होता है तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को लगा करके अब जैसे ही ओके करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये 0.5 इंच का गैप आपको लेफ्ट साइड से और मिल चुका है।
तो ये तो चीजें होती हैं मार्जिन्स की। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मीन्स होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप अपने पेज को लंबे में चाहते हैं तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आप अपने पेज को लैंडस्केप यानी चौड़े में चाहते हैं तो यहाँ पे लैंडस्केप ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब देखिए पेज आपका ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस तरह से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ये लंबे में हो गया और लैंडस्केप ये आपका हो गया चारों में। तो इस हिसाब से आप यहां से ओरिएंटेशन को अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है साइज का। साइज पे आते हैं, यहां पे आपको कई प्रकार के साइज मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम लोग सिस्टम पर काम करते हैं तो जो ज़्यादातर पेज यूज होता है वो हमारा A4 पेपर ही यूज होता है, क्योंकि A4 पेपर का वर्क लगभग हर जगह पर होता है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से A4 पेपर हो गया, लेटर पेपर हो गया, लीगल पेपर हो गया, किसी को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस पेज पे काम कर रहे हैं या आपके यहाँ कौन सा प्रिंटर है या आपके यहाँ किस पेपर पर काम किया जाता है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस पेपर पे काम करते हैं या किस पेपर पे काम करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। बाकी यहाँ से आप अपने हिसाब से पेपर का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर A4 पेपर का यूज कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कॉलम का। अब फ्रेंड्स कॉलम भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर आप यहाँ पर कोई मैटर लिखना चाहते हैं उसको आप कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे आप टू कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमने जितना मैटर सेलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ वो मैटर टू कॉलम पे कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं और सिर्फ कर्सर रखते हैं और अब हम यहाँ जब कॉलम पे क्लिक करेंगे तब देखिए जो आपका पूरा टेक्स्ट है वो दो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। अगर आप इसी को आप तीन कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं 3 कर दीजिए, ये टेक्स्ट आपका 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आप इससे ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर आ जाइए। अब इसमें फ्रेंड्स ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट में क्या होता है लेफ्ट कॉलम आपका छोटा रहेगा, राइट कॉलम बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप राइट कर देते हैं तो राइट कॉलम बड़ा रहेगा और लेफ्ट कॉलम आपका छोटा रहेगा। इस हिसाब से हम यहाँ पर कॉलम को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कॉलम को सेट करना है तो आप मोर कॉलम पे आ जाइए और यहाँ से आप अपने हिसाब से दो कॉलम या तीन कॉलम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और उसके बीच में अगर आप यहाँ पर लाइन भी चाहते हैं, अभी तक जो हम कॉलम लगाते उसमें लाइन नहीं आती थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कॉलम के बीच में लाइन भी आए तो उसके लिए आप यहाँ पर मोर कॉलम पे आ जाइएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा लाइन बिटवीन, यहाँ से आप लाइन बिटवीन को लगा करके उसके बीच के गैप के बीच में लाइनिंग का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसकी मोर कॉलम में ये इसका विड्थ है, स्पेसिंग है, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग को भी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ओके, देखिए जी हिसाब से आप चाहते हैं आप इसकी स्पेसिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब बढ़ा जाते हैं आप गैपिंग को बढ़ा देते हैं देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलम को लगा सकते हैं, इसके स्पेसिंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं। हमें कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ वन कॉलम जैसे क्लिक करेंगे आपका ये मैटर आपका वन कॉलम में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स मीन्स होता है आप यहाँ से अपने मैटर को लाइन ब्रेक कर सकते हैं, कस्टम ब्रेक, बहुत प्रकार के ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से आते हैं पहला ब्रेक क्या है, पहला ब्रेक है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इस पेज पे हमारा जो मैटर है वो सिर्फ इस पेज पे हमारा एक पैराग्राफ का मैटर है, बाकी इसके बाद का मैटर क्या हो वो नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए आप ब्रेक्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और पेज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे पेज पे क्लिक कर देते हैं देखिए इसके बाद का मैटर कहाँ आ गया, वो आपका नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर हो चुका है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपका जो कॉलम ब्रेक होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, कॉलम ब्रेक के लिए आपको यहाँ पहले कॉलम बनाना पड़ेगा तो आप कॉलम ब्रेक का यूज समझ पाएंगे। पहले हम यहाँ पे आकर के दो कॉलम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मैटर दो कॉलम में कन्वर्ट है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारा यहाँ से इसके बाद का मैटर नेक्स्ट कॉलम इधर आ जाए, ये इधर का पूरा ये खाली हो जाए, तो आप यहाँ पर आ जाइए और कर दीजिए कॉलम ब्रेक। तो देखिए अभी आपका ये पूरा ये खाली है और ये मैटर जो है आपका कॉलम इस तरफ आ चुका है। तो ये होते हैं कॉलम ब्रेक। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट होता है टेक्स्ट टाइपिंग ब्रेक। टेक्स्ट टाइपिंग ब्रेक आपका एक एक लाइन के ब्रेक्स होते हैं जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से हमने किया योर डॉक्यूमेंट, यू के बाद हमने कर्सर रखा और हमने यहां किया टेक्स्ट टाइपिंग ब्रेक। तो ये देखिए आपका यहां से ये लाइन से ब्रेक हो चुका है, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ बन चुका है। तो
तो ये फ्रेंड्स ये हमारे ब्रेक्स थे, बाकी नेक्स्ट पेज करेंगे तो फिर से आपका मैटर नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी ये सभी आप ब्रेक्स हैं, यहाँ पे आप इस हिसाब से यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है लाइन नंबर का। हम यहाँ से पहले सभी कॉलम को हटा करके वन कॉलम कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर्सर रखा है, अब ये होता है लाइन नंबर। अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो लाइन नंबर जहाँ पे कर्सर रखा वहाँ लाइन नंबर स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 चलता जाएगा। और ये देखिए हिसाब से आपका लाइन नंबर चलता चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि लाइन नंबर रिस्टार्ट इस पेज से चले तो आप रिस्टार्ट इस पेज क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक नंबर से 5 नंबर तक आया है, नेक्स्ट पेज पे फिर से आपका एक नंबर से 4 नंबर तक आया, फिर नेक्स्ट पेज पे आपका ये मतलब अब हर पेज पे आपका नया नया पेज नंबर स्टार्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से रिस्टार्ट इस सिलेक्शन से है, इस सिलेक्शन करेंगे तो आपने चूंकि सिलेक्शन नहीं किया है तो आपका ये भी फिर से एक नंबर से स्टार्ट होकर के आपका कंटिन्यू चलता चला जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको लाइन नंबर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आकर इसको नल कर दीजिए तो यहाँ पे आपके जितने भी लाइन नंबर थे वो सभी लाइन नंबर यहाँ से हट जाएंगे। ये तो फ्रेंड्स हमारे लाइन नंबर्स के पॉइंट। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हाइफनेशन। फ्रेंड्स हाइफनेशन क्या होता है या हाइफन क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे हम किसी मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रीन को आपको बड़ी कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए हाइफनेशन क्या होता है। जब हम यहाँ से अपने मैटर को इसको हमने कर दिया जस्टिफाई, अब फ्रेंड देखिए मैटर मान लेफ्ट और राइट से बराबर है, लेकिन हाइफनेशन मींस होता है क्या है, यहाँ पे नन है। जब हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं फ्रेंड देखिए ये मैटर इसमें हमारा हाइफनेशन नहीं लगा हुआ है। अब हम यहाँ से मैटर को छोटा थोड़ा बड़ा और छोटा करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हाइफनेशन यहाँ पर लग चुका है। ये हमारा होता है हाइफन, ये देखिए इसे कंटेंट्स, ये मैटर आपका यहाँ पर एक हाइफन के रूप में दिख रहा है और मैटर हमारे नीचे आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक किया है। अगर हम इसको मैनुअल कर देते हैं या नन कर देते हैं तो देखिए हाइफनेशन यहाँ से हट जाएगा, और हम जैसे ऑटोमेटिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये हमारा हाइफनेशन आ जाएगा। अब अगर इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो जैसे मैनुअल पे क्लिक करेंगे, अब ये पूछा है कंटेंट, हम चाहते हैं टी वाला मैटर भी यहाँ पर आ जाए, तो इसको आप जैसे यस करेंगे तो अभी टी वाला कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ से बाकी चीज़ों को नो करते हुए आगे बढ़ जाइए और ये आपका कंटेंट सेव हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंटेंट्स, तो ये तो था हमारा हाइफनेशन का पॉइंट। अगर आपको हाइफनेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नन करके हाइफनेशन के पॉइंट्स को हटा सकते हैं। ये देखिए सारे हाइफनेशन के पॉइंट्स यहाँ से हट चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे आज के एमएस वर्ड में पेज लेआउट के, पेज सेटअप के सभी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आए हों या समझ में आए हों, ये वीडियो आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह से हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा टॉपिक वर्ड 2007 के पेज सेटअप ऑप्शंस, पेज लेआउट रिबंस के। अब हम आपको ले चलते हैं एमएस वर्ड 2016 की तरफ और उसमें देखते हैं कि उसमें पेज सेटअप में क्या क्या पॉइंट्स हैं, वही हैं या कुछ नए हैं। तो इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं वर्ड 2016 की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं वर्ड 2016 की तरफ और देखते हैं इसमें कि इसके पेज लेआउट के पेज सेटअप ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें पुरानी हैं या बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वर्ड 2016 को। तो इसके लिए हम यहाँ से वर्ड 2016 को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे सामने वर्ड 2016 ओपन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा वर्ड 2016 ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम अपने पेज को खोल लेते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे डिज़ाइन में देखिए, अब लेआउट में आ जाइए, यहाँ देखिए आपकी ये पेज सेटअप पॉइंट्स हैं और फ्रेंड्स इसमें भी आपके सारे पॉइंट्स वही दिख रहे हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन, सारी चीज़ें वही हैं जो भी हमने आपको वर्ड 2007 में बताई थी। लेकिन फिलहाल एक बार इसको देख लेते हैं, इन सब में कुछ चीज़ें नई तो नहीं है या सारी चीज़ें वही पुरानी हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम बात कर लेते हैं अपने वर्ड 2016 के पेज सेटअप ऑप्शंस के बारे में। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी ये आपके मार्जिन्स वही हैं 0.5 इंच, यहाँ से आपकी मार्जिन कम ज़्यादा हो जाएगी देखिए कुछ इस तरीके से। बाकी मार्जिन से यहाँ पे आप टॉप बॉटम जिस हिसाब से मार्जिन को सारी चीज़ों को कर सकते हैं।
अगर हम इसके कस्टम मार्जिन की बात करें तो कस्टम मार्जिन में भी इसमें सारी चीज़ें वही वही आ रही हैं जो हमने अभी आपको बताई थी। इसमें भी आपके कटर के पॉइंट्स हैं, बाकी यहाँ से भी आप कटर के पॉइंट्स को अपने हिसाब से बड़ा घड़ा घटा सकते हैं। और ओके, ये देखिए आपके यहाँ से पॉइंट्स भी बढ़ चुके हैं। और बात कर लेते हैं इसके ओरिएंटेशन पॉइंट्स की, तो ओरिएंटेशन पॉइंट्स में भी इसके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन हैं जहाँ से हम पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके थर्ड ऑप्शन की बात कर सकते हैं साइज की, जिसमें हमने आपको बताया कि यहाँ ज़्यादातर हम लोग A4 पेपर का यूज करते हैं क्योंकि A4 पेपर का यूज ही ज़्यादातर होता है और हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में भी इसके वही कॉलम्स हैं, यहाँ से आप इसको 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम सभी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ से हम 1 कॉलम करके इसको नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें भी आपके वही पेज ब्रेक्स, कॉलम ब्रेक्स, टेक्स्ट टाइपिंग ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो भी हमने आपको ब्रेक्स में बताई थी। जैसे हमने अगर यहाँ से हम कर्सर रख करके पेज ब्रेक कर देते हैं तो ये मैटर आपका नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेक्स की वही हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लाइन नंबर्स की, तो लाइन नंबर में भी आप कंटिन्यू कर देते हैं तो ये देखिए उसी तरह से कंटिन्यू नंबर जैसे हमने वर्ड 2007 में बताए थे, तो वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर उस हिसाब से चलेंगी। हमें लाइन नंबर नहीं चाहिए, हम नन कर देते हैं, लाइन नंबर यहाँ से हमारा हट जाएगा। अब फ्रेंड जो इसका लास्ट ऑप्शन था वो भी आपका हाइफनेशन ही है जो भी हमने आपको बताया था। अगर हम हाइफनेशन यहाँ कर आपको ऑटोमेटिक कर देते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैचिंग के बीच में हमारा हाइफनेशन लग चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स मैच के बाद हमारा यहाँ पर हाइफनेशन लग चुका है। अब इस हाइफनेशन को आपको नन करना है, यहाँ से आ जाइए और आप नन कर दीजिए तो ये हाइफनेशन आपका हट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे वर्ड 2016 के पेज सेटअप ऑप्शंस। ये सारी चीज़ें आपको वही हैं जो हमने अभी वर्ड 2007 में बताई थी और सारी चीज़ें आपको वही वही मिल जा रही हैं वर्ड 2016 में भी। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है और आज के टॉपिक में हमने वर्ड 2007 और वर्ड 2016 के पेज सेटअप ऑप्शंस के बारे में बता दिए थे जो दोनों लगभग लगभग सेम है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए और ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।